तो भाई जब ये जिंदगी में एक ट्रेन देखता हूँ ना, कसम से बोलता हूँ मेरा दिल करता है कि ट्रेन बनाने वाले को और ट्रेन चलाने वाले को इतना बुरा मार मारे कि क्या बताएं। साला लाके मुंबई में छोड़ दिया, अब इधर से ना घर पे जाने को मनता है, घरे जाओ तो गांव वाले गुस्सा है और यहाँ से जाओ तो होटल वाले गांडू कहाँ है। कहा करिए यार, कुछ समझ में आया बात है। तो फाइनली भाई उसे हम गाँव छोड़ने लेके जा रहे हैं। फिर कब मिलोगे? मिलना जल्दी, मिलना जान, जल्दी आ जाना। तो टैक्सी से उसे गांव छोड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन दिल में दर्द बहुत हो रहा है भाई। मतलब उससे इतना प्यार है यार। ये देखो अपना बीटी स्टेशन आ गए हैं, तो अभी मैं आपको स्टेशन के अंदर का भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, क्योंकि जानते हो कि अभी सुबह का 8 बज रहा है। पुष्पा की स्पिरिट जो है 15 नंबर पे आती है और सुबह के 8 बजे आती है। तो फाइनली भाई हम लोग टैक्सी से उतरने वाले हैं। तो भाई टैक्सी से उतर चुके हैं, अब अपना टिकट लेते हैं। अपना टिकट लेने के बाद में आपको पुष्पा के एक्सप्रेस के अंदर लेके जाएंगे, पूरा ट्रेन का दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग 4 घंटा सर्वाइव करने वाले हैं। मतलब भाई अगर यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे रुकना है, अगर किसी के साथ में, जल्दी आना, जल्दी लौट के आना, बस इतना ही निवेदन है भाई। मुंबई टू लखनऊ का टिकट मिल गया है। और एक बार फैन चेक करो कितना बड़ा है यार, मैं तो इसी को देखता हूँ। तो भाई इसे घर रुखसत करते वक्त इतना बुरा लग रहा है, बताने के लिए ये भैया इतनी जल्दी आया, घर से वापस जल्दी आए भाई। हम तीनों के चेहरे पे जो मुस्कान देख रहे हो ना, ये झूठी मुस्कान है। मतलब कोई हम लोग के साथ में गांव जाए और हम लोग न जाए, टिकट हाथ से हमारे घर में जो गांव जाए और सामने पाए। और ये देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी और हेलीकॉप्टर का पंखा। तो भाई उसको लेके अब हम जा रहे हैं पुष्पक के पास, क्योंकि 8 बज चुका है तो ट्रेन आ गई होगी। अपना टिकट उकट हो गया, उसका भी टिकट कटा दिया। और ये देखो ट्रेन का पूरा इतिहास, तो मतलब इतिहास में ऐसा ऐसा ट्रेन था। तो आप समझ सकते हो कि यार दिल में कितना तकलीफ होता है जब कोई दूर होता है। आप ट्रेन का पूरा देखो, यही जा रहा है हम लोग के दूर। और गांधी बापू को देखो कितने स्टैंड पे बैठे हुए, अभी भी कपड़ा सिल रहे, इतना दिन हो गया। मतलब बीटी पे एक चीज देखता हूँ कि 70 साल हो गए देश आजाद को, अभी गांधी जी अभी कपड़ा सिलने उनको फुर्सत नहीं मिला। फाइनली भाई हम लोग उसको उस पटरी पे लेके आ चुके हैं जहाँ पे पुष्पा की मेरे गांव की तरफ जाते हैं यार। मतलब गांव नाम ही है कितना अच्छा नाम है। तो अभी हमारे बगल में न जाने कौन सी ट्रेन खड़ी है जो कि मेरे को आता नहीं है। तो ये है भाई वो पटरी जो कि मेरे गांव की तरफ जाती है यार। यहाँ से ख़त्म है, मतलब मुंबई का लास्ट प्लेटफॉर्म यही है। और आप देखो पब्लिक का भीड़ देखो यार कितना ज़्यादा है यहाँ पर। तो भैया हम लोग की किस्मत में तो गांव जाना लिखा नहीं है। और एक तो है ये हम लोग के साथ में अच्छा खासा जॉब कर रहा था, अभी बीमारी का बहाना देके गांव जा रहा है। लेकिन इससे बस इतनी निवेदन है कि भैया तुम्हें जल्दी आना यार। जब कोई साथ में गांव जाता है ना, तो कोई दिल से पूछे कि कितना तकलीफ होता है। अगर आप में से कोई बाहर रहते हो तो आपको तो पता ही होगा कि जब कोई साथ वाला गांव जाता है तो कितना तकलीफ होता है। ये जो मेरे बगल में चल रहा है ना, इसको तो 5 साल हो गए गांव में ही गया बलात्कार। तो भाई कम से कम 4 महीने इसके साथ में रहे, अभी लास्ट टाइम मतलब अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है यार। तो भाई थोड़ा जल्दी आना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अभी मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ जिससे ये जाने वाला है। तो भाई यही है वो ट्रेन जो इसको गांव की तरफ ले जाएगी। मतलब गांव नाम यार, जो भाई सामने खड़े हैं ना, ये मेरे को लग रहा है कि कुछ दिन टीटी में काम किया, कुछ गलत करो यहाँ पे तो तुरंत बताते कि यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, ऐसा बस है। दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे? तो
भाई जब ये जिंदगी में एक ट्रेन देखता हूँ ना, कसम से बोलता हूँ, मेरा दिल करता है कि ट्रेन बनाने वाले को और ट्रेन चलाने वाले को इतना बुरा मार मारे कि क्या बताएं। साला ला के मुंबई में छोड़ दिया, अब इधर से ना घर पे जाने को मनता है, घरे जाओ तो गांव वाले गुस्सा है, और यहाँ से जाओ तो होटल वाले गांडू कहाँ है। क्या करी यार, कुछ समझ में ना आया बस। तो भाई बहुत ज्यादा तकलीफों के बाद ये जो जीना लिफ्ट वाला दिख रहा है ना भाई, मैं जिंदगी में पहली बार इस पे चढ़ने जा रहा हूँ। अभी मैं अपना पूरा रिएक्शन बताऊंगा कि कितना और कैसा रिएक्शन मेरा रहता है जब इस पे मैं चढ़ता हूँ, तो कितना डर लगता है मेरे को। तो भाई अभी हम जिस पे खड़े हैं ना, जिंदगी का पहला बार है जो मैं इस जीने पे खड़ा हूँ यार, कसम से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है ना। आ गए भाई, ये देखो भाई, जिंदगी का पहला बार जिसपे कोई लास्ट बंदा जा रहा है यार। मतलब मैं जिंदगी में तो अपने पूरी जिंदगी में मैं तो कभी नहीं चढ़ा, और इस पे चढ़ने में आए डर भी लगता है लेकिन मजा भी बहुत आता है। यहाँ पर देखो मैं गिरूंगा यहाँ पे देखो, ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है, बोलो। तो फाइनली भाई बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ गई है, अब हम उसे बैठाते हैं और उसको अलविदा बोलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी यार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पुष्पक ट्रेन आने से पहले लोगों का उतावलापन देखो, फाइनली पुष्पक ट्रेन आ चुकी है जो कि आप देख सकते हो, मतलब यही है पुष्पक एक्सप्रेस मुंबई टू लखनऊ। तो अभी ये रुकेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें से कितना पब्लिक उतरता है, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ तो हमेशा उतरता ही रहता है, इतना पब्लिक रहता है। ये देखो मतलब कितना पब्लिक उतर रहा है यार जो कि। तो भाई अभी पुष्पक में पब्लिक चढ़ रहा है, मतलब बैठ रहा है लखनऊ जाने के लिए मुंबई से। तो आप पब्लिक देखो कितना ज़्यादा पब्लिक है, अरे बाप रे बाप भाई, थोड़ा साइड देना, कितना पब्लिक है यहाँ पे, वीडियो भी नहीं शूट किया जाता है मेरे से, इतना पब्लिकों का इसे चढ़ रहा है, एकदम भूसा की तरह चढ़ रहा है यार, उफ कितना। और अभी भाई पुष्पक चली गई है तो दूसरी ट्रेन आ रही है, तो आप देखो अब सुनसान एकदम हो गया है, पूरी पटरी सुन होगी, अब पब्लिक है कुछ लेकिन एकदम सुन। भाई उसको भेज के हम लोग फिर वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। हम लोग हमारे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कैसे है दोस्तों? और एक एक चीज तो आपने नोटिस की होगी कि मतलब मुस्कान देखो यार, ये दिल से नहीं निकलती है। जब कोई साथी गांव जाए यार, गांव नाम ही इतना प्यारा है, जब कोई गांव जाए और हम रह जाए तो यार मुस्कान दिल से नहीं निकलती। नंबर आएगा किसी दिन, किसी दिन अपना भी आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं।